1970 के दशक में मिथुन बॉलीवुड में नाम बनाने बंगाल से मुंबई आए थे। मुंबई में फिल्म डायरेक्टर दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा ने मिथुन की बहुत मदद की थी। 1976 में दुलाल गुहा फिल्म दो अनजाने का निर्देशन कर रहे थे। अमिताभ और रेखा की साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के शूट के दौरान मिथुन को अमिताभ और रेखा के साथ रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि स्पोर्ट बॉय का काम। इसके अलावा मिथुन को फिल्म में एक छोटा सा रोल भी दिया गया था, सिर्फ एक डायलॉग का। अतिरिक्त समय में रेखा पहचान छुपाकर बुर्का पहनकर शॉपिंग करने जाती थी और मिथुन रेखा के शॉपिंग बैग उठाए उनके पीछे पीछे चलते थे। अगले ही साल मिथुन को 1976 में बंगाली फिल्म मिर्ग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और हिंदी फिल्मों में पहला लीड रोल 1978 में आई फिल्म मेरा रक्षक में मिला। शुरुआती दिनों में मिथुन ने रेखा के शॉपिंग बैग उठाए थे, लेकिन फिल्मों में नाम कमाने के बाद रेखा के साथ चार फिल्मों में लीड रोल में काम किया।